आज की इस वीडियो में हम जिस क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं वो अपने जेईई मेंस के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे अपने क्या कह रहा है कि सपोज एफ इज अ फंक्शन सेटिस्फाई द, ये अपने इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी अपने एफ ऑफ एफ फंक्शन है, ठीक है, फॉर एक्स और वाई। अपने ये नेचुरल नंबर है, एक्स और वाई अपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, और एफ ऑफ वन अपने 1/5 के बराबर दे रखा है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है कि इफ सिग्मा एम इंटू एम सिग्मा एन वन एन इक्वल टू वन से लेकर के एम तक अपने का ये दे रखा है, इसका सम अपने का 1/12 के बराबर दे रखा है। ये अपने का बाद में काम आएंगे, सबसे पहले तो फंक्शन तो निकाल ले, इसको अपने का डिकोड करके ये जो फंक्शनल इक्वेशन दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने क्या दे रखा है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर, ठीक है। ये अपने पास एक फंक्शनल इक्वेशन है, इसे क्या कहते हैं फंक्शनल इक्वेशन, ठीक है। तो इसको डिकोड करके क्या कीजिए, अपन एफ ऑफ एक्स निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में अपने पास एफ ऑफ वन दे रखा है, कितना दे रखा है अपने पास 1/5 के बराबर, जहां यूज पड़ेगा एफ ऑफ वन वहां एफ ऑफ वन निकालेंगे। अब देखिए यहां से अपने पास एन क्या कह रहा है, नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो एन सॉरी एक्स और वाई अपने पास नेचुरल नंबर होनी चाहिए, तो एक्स और वाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना होगा, जीरो तो हो ही नहीं सकता, यानी अपने क्या कीजिए यहां से एक्स इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, और y इक्वल टू 0 तो पुट कर नहीं सकते हैं, ठीक है, तो y इक्वल टू 1 पुट कर लीजिए। तो यहां से अपने एफ ऑफ 1 प्लस 1 यानी एफ ऑफ 2 डायरेक्ट लिख दे, क्या x की जगह 1 पुट कीजिए, y की जगह 1, तो एफ ऑफ 2 इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, अपने पास एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 1 के बराबर, कोई दिक्कत। यहां से सॉल्व कीजिए तो ये अपने किस बराबर आ जाएगा 1/5, एफ ऑफ 1 1/5 आया, ये भी एफ ऑफ 1 1/5 के बराबर, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा 2/5 के बराबर। अब क्या कीजिए एफ ऑफ 3 निकाल लीजिए, एफ ऑफ 3 कैसे आएगा, तो एक्स इक्वल टू क्या कीजिए 1 पुट कर लीजिए, वाई इक्वल टू आपने 2 पुट कर लीजिए, पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक्स इक्वल टू 1 ही पुट करना, एक्स इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हैं, वाई इक्वल टू 1 भी पुट कर सकते हैं। तो यहां से अपने पास एफ ऑफ 3 आ जाएगा, एफ ऑफ 3 किसके बराबर आ जाएगा अपने पास एफ ऑफ 1 और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 2 के बराबर, एफ ऑफ 1 अपने किस रहा है 1/5 के बराबर आया था, और एफ ऑफ 2 अपने किसके बराबर, तो यहां से चिपका दीजिए 2/5 के बराबर, यानी ये किसके बराबर आ जाएगा 3/5 के बराबर। एफ ऑफ 2 के बाद एफ ऑफ सॉरी एफ ऑफ 3 के बाद एफ ऑफ 4 निकाल लीजिए, तो एक्स इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए और वाई इक्वल टू भी 2 पुट कर लीजिए, कॉमा वाई इक्वल टू भी 2, जरूरी नहीं कि एक्स टू वाई टू, एक्स 1 पुट कर लीजिए, वाई 3 पुट कर लीजिए, ए वाई 1 पुट कर लीजिए, एक्स 3 पुट कर लीजिए, अपन को 4 बनाने हैं, ठीक है। तो यहां से अपने इसमें पुट करेंगे तो 2 + 2 = 4 के बराबर, इक्वल टू किसके आ जाएगा एफ ऑफ 2 और प्लस टाइम्स एफ ऑफ 2 के बराबर, इक्वल टू किसके आ जाएगा एफ ऑफ 2 अपने किसके बराबर आ गया 2/5 के बराबर, और एफ ऑफ 2 भी 2/5 के बराबर हो गया। यहां से अगर आप गौर से देखते हो 2 + 2 ये आ गया अपने किसके बराबर 4/5 के बराबर, ये आ गया 4/5। तो आप कुछ देख पा रहे हैं क्या, यहां से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहां से अपने कस एफ ऑफ एक्स अगर लिखते हैं तो एफ ऑफ एक्स अपने कस किसके बराबर आ जाएगा, ऐसे जाते जाते अपने कस जो यहां पर पुट करें नॉमिनेटर में वही आ रहा है, डिनोमिनेटर में अपने कस किसके बराबर हो जाएंगे, तो डिनोमिनेटर में अपने कस 5 के बराबर हमेशा आएगा, तो ये अपने कस x/5 के बराबर हो गया। यानी ये जो अपने कस फंक्शन आया डिकोड करके एफ ऑफ एक्स अपने कस किसके बराबर दे रखा है x/5 के बराबर, तो अपने कस फंक्शन डिकोड करके x/5 आ गया। ये फंक्शन इक्वेशन को क्या किया अपन, डिकोड कर लिए, ठीक है, अपने के पास इसमें से एफ ऑफ एक्स निकाले, तो किसके बराबर एफ ऑफ 5 के बराबर। अब क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, क्वेश्चंस में देखिए अपन के पास दे रखा है क्वेश्चंस में कि इसका वैल्यू निकाल, इसका वैल्यू अपने 1/12 के बराबर दे रखा है, तो अपन के पास क्या कर रहा है कि एम का वैल्यू निकालने के लिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम, यहां पर अपने के पास क्या कर रहा है कि एम का वैल्यू अपने के पास क्या होगा वो निकालने के लिए कह रहा है। तो चलिए सिग्मा ये आ गया अपने के पास एम एन इक्वल टू 1 से लेकर के एम तक, इसको पहले अपने के पास लिख लीजिए, इसको सॉल्व करते हैं, सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेकर के कहां तक दे रखा है एम तक, और यहां से क्या दे रखा है एफ ऑफ एन, और अपॉन में अपने के पास किसके बराबर दे रखा है, तो अपॉन में दे रखा है अपने के पास एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 के बराबर, तो एन इंटू एन प्लस 1 एन इंटू एन प्लस 1 और इंटू में अपने के पास क्या दे रखा है एन प्लस 2 के बराबर, कोई दिक्कत कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहां तक नहीं होनी चाहिए, दे रखा है एन इंटू एन प्लस 1 एन प्लस 2 के बराबर। अब देखिए एफ ऑफ एन यहां से अपने के पास क्या लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं, तो इसमें कोई आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए कि एफ ऑफ एन की जगह अपने के पास एन बाई 5 लिख दी, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो यहां से आपने क्या कीजिए इसको सॉल्व कीजिए, ये अपने के पास किस बराबर आ जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू 1 से लेकर के अपने के पास एम तक है, और यहां से अपने के पास क्या एफ ऑफ एन की जगह एन बाई 5 हो जाएगा, तो एन अपॉन एन इंटू एन प्लस 1 और इंटू में अपने के पास एन प्लस 2 के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और ये 1/5 है, 1/5 बाहर डायरेक्ट आ जाएगा, इतने तो आपको आते होंगे मैथमेटिक्स कि अपने के पास ये कांस्टेंट है, तो अपने के पास कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एन एन अपने के पास कैंसिल आउट हो गया, यानी अपने के पास अल्टीमेट बचा क्या,
अल्टीमेट बचा आपने के पास एन इक्वल टू वन से लेकर के वन, और वन अपॉन में आपने के पास आ गया एन प्लस वन, एन प्लस वन और इन टू में आपने के पास एन प्लस टू के बराबर। अब इस वन को क्या कीजिए, इस वन को क्या लिख सकते हैं, इस वन को लिख सकते हैं अपन इतना, दूसरा कलर लेते हैं, एन को क्या लिख दीजिए एन प्लस टू और माइनस टाइम्स एन माइनस वन के बराबर, सॉरी एन प्लस वन के बराबर इतना लिख सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यही वन ही लिखा हुआ है, अपन वन को क्या लिख दिए एन प्लस टू और माइनस टाइम्स एन प्लस वन के बराबर। अगर इसको सॉल्व किया तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, टू प्लस वन अपने टू में से वन जाएगा तो वन के बराबर हो जाएंगे। अब इसको क्या कीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, दो अलग अलग भाग में स्प्लिट कीजिए, तो ये अपने किस बार आ जाएगा, सिग्मा एन इक्वल टू वन से लेकर के एम तक, ये अपने एम है, एम तक है, एम तक है, वन से लेकर के एम तक। इसको जैसे ही स्प्लिट करेंगे और बाहर वन बाय फाइव ये आते जा रहा है, वन बाय फाइव ये अपने बाहर आते हुए जा रहा है, तो स्प्लिट कीजिए, ये स्प्लिट कीजिएगा अंदर वाले क्वांटिटी को, तो ये अपने किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने ये स्प्लिट कीजिएगा तो नीचे आ गया वन अपॉन एन प्लस वन के बराबर, और माइनस टाइम्स वन अपॉन एन प्लस टू के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब क्या कीजिए, एन का वैल्यू डालते जाइए, एन का वैल्यू अपने पहले वन डालिए, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ऐसे करते करते एम तक, तो ये आ गया अपने वन बाय फाइव, वन बाय फाइव अपने पास बाहर ही रहेगा। एन का वैल्यू क्या डालते हैं अपने पास, पहले वन डालते हैं, वन डालेंगे तो वन अपॉन टू के बराबर हो जाएंगे, वन प्लस वन, और माइनस टाइम एन का वैल्यू अपने क्या डाल दीजिए अपने पास, इसमें भी वन डालना, दोनों में एक साथ डालते हैं तो वन प्लस वन, तो ये आ गया वन बाई थ्री के बराबर। एन का वैल्यू टू डालिए, एन का वैल्यू टू डालेंगे तो ये अपने पास किस आ जाएंगे, वन प्लस वन टू के, सॉरी टू डालिएगा तो ये आ गया टू प्लस वन थ्री के बराबर, और माइनस टाइम्स वन अपॉन टू प्लस टू फोर के बराबर। सिमिलरली यहाँ से अपने पास आ जाएंगे किसके बराबर, वन अपॉन या गया अपने के पास फोर, ये थ्री डालते हैं तो थ्री प्लस वन फोर, और माइनस टाइम्स अपने के पास किस आएगा, वन अपॉन फाइव के बराबर। ऐसे ही डालते जाएंगे तो अपने के सबसे जो लास्ट जो टर्म आएगा वो अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे, फोर डालेंगे तो ये अपने के पास किसके बराबर एम प्लस वन के बराबर। लास्ट टर्म में अपने के पास एम डालेंगे ना, तो एम प्लस वन और ये एम प्लस, अच्छा एम प्लस वन एम प्लस टू के बराबर हो जाएंगे, ये किसके बराबर हो जाएंगे, एम प्लस टू के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। और इधर अपने का जो टर्म आएगा वन अपॉन एम प्लस वन के बराबर, एम डालेंगे ना लास्ट टर्म, ऐसे कितने डालते जाएंगे, तो यहां से देखिए वन बाय थ्री माइनस में वन बाय थ्री प्लस में, वन बाय फोर माइनस में वन बाय थ्री प्लस में, वन बाय फाइव माइनस में वन बाय फाइव प्लस में, ये सारे कैंसिल आउट होकर के सारे एलिमिनेट हो जाएंगे, तो अपने का सिर्फ और सिर्फ बचेंगे क्या, वन बाय टू माइनस टाइम्स, यहां से अपने का ये ब्रैकेट लगा दीजिए, तो यहां से अपने का इसका जो वैल्यू बचेगा वन बाय फाइव, और इन टू में अपने के पास सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा, वन बाय टू, और ये अपने कैसे किसके बराबर आ जाएंगे, वन बाय टू और प्लस माइनस टाइम्स, यहाँ पर अपने कैसे ये माइनस आएंगे, माइनस टाइम्स वन अपॉन एम प्लस टू के बराबर। माइनस क्यों आएंगे, क्योंकि अपने सब जगह माइनस आ रहे हैं, इधर लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट साइड में भी माइनस आ जाएंगे, कोई दिक्कत। अब देखिए ये अपने कैसे किसके बराबर दे रखा है, ये अपने पास दे रखा है क्वेश्चन में, देख लीजिए ये अपने पास क्वेश्चन में दे रखा है वन अपॉन ट्वेल्व के बराबर, वन अपॉन ट्वेल्व के बराबर, तो इसको वन अपॉन ट्वेल्व से कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर क्या इक्वल टू कर लीजिए, और एक इक्वेशन अपने के पास आ जाएंगे वन अपॉन ट्वेल्व के बराबर। यहाँ से सॉल्व किया तो वन अपॉन फाइव और इंटू अपने के पास एलसीएम ले लीजिए तो टू इंटू एम प्लस टू के बराबर, और यहाँ से आ गया अपने के पास एम प्लस टू माइनस टाइम्स टू के बराबर इक्वल टू आ गया अपने के पास वन अपॉन ट्वेल्व के बराबर। कोई दिक्कत यही आ जाएंगे, तो अपने टू टू तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ से आ गया अपने के पास एम अपॉन टेन इंटू एम प्लस टू के बराबर इक्वल टू आ गया वन अपॉन ट्वेल्व के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से सॉल्व किया तो ये आ गया अपने पास किसके बराबर ट्वेल्व एम और इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर तो टेन एम और प्लस टाइम्स किसके बराबर तो ट्वेंटी के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से अपने पास आ जाएंगे ट्वेल्व में से एम जाएगा तो अपने पास आ जाएगा ट्वेल्व एम माइनस टाइम्स टेन एम। हम एक एक स्टेप लिख दे रहे हैं आपके लिए कि ऐसा नहीं हो कि आपको समझ में ना आए। तो एम इक्वल टू किसके आ जाएंगे तो ट्वेंटी अपॉन यहाँ से अपने पास किसके बराबर जाएंगे टू के बराबर हो जाएंगे ना, बारह में से दस जाएगा टू तो ट्वेंटी अपॉन टू के बराबर, यानी अपने पास इसको एलिमिनेट कर दीजिए इरेज कर दीजिए तो ये आगे अपने पास किसके बराबर टेन के बराबर। तो एम इक्वल टू अपने पास किसके बराबर आ जाएगा टेन के बराबर। तो एम इक्वल टू अपने पास किसके बराबर जाएंगे टेन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो ये अपने पास किसके बराबर हो गए टेन के बराबर हो गए। तो m का वैल्यू पूछ रखा था तो m इक्वल टू अपने कैसे यहाँ पर किसके बराबर हो जाएंगे m इज इक्वल टू टेन के बराबर। तो यही टेन अपने कैसे क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक हमारे हिसाब से कोई दिक्कत परेशानी नहीं। यहाँ पर आपको स्प्लिट करने आना चाहिए थोड़ा बहुत कि लिखना कैसे। वन को अपने कैसे ऐसे लिख सकते हैं अपने कैसे स्प्लिट कर दे बाद में सारे अपने कैसे इरेज हो ये हो जाएंगे अपने कैसे डिलीट हो जाएंगे बच जाएंगे अपने कैसे कुछ ही बात। तो ये थे अपने के पास कौन से क्वेश्चन, ये थे अपने कैसे जेई मेन्स के 29 जनवरी 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था और काफी अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में आते हैं फंक्शनल इक्वेशन के, देख रहे हैं 23 में ही आ चुके हैं लेटेस्ट, तो फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन आते हैं इसलिए आप बना करके जाइएगा। तो बस नए स्टूडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नए वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं अगले वाली एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।